दोस्तों की बस गैदरिंग थी, कोई इसने कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं मशहूर हूँ आप मोहतरम शाह खाना बस साहब ने आपको साहब दिक्कत जितने हैं मेरे वास्ते हर एक शख्स का तशरीफ फरमाया था मेरे वास्ते इंतहाई काबिल एहतराम उसका शुक्रिया है। हमें पता है कि बड़ा मुश्किल होना एक अफकारी वास्ते इतने दूरों आना, लेकिन यह मुहब्बत जी इंसान ने दिल कदर होनी और शिकित बंद ही लैना। मैं तो सारे ना मशहूर हाँ जितने पद इतने आए। उस तो पहले एक अफतारी में की थी, कोई दोस्त शायद नाराज भी होना, लेकिन एक टाइम बंदा कर भी नहीं सकता। स्टेप बाय स्टेप अपने दोस्तों में बंदा इकट्ठा करना रहना, सिलसिले चलने रहे, बंदा जिंदा होवे तो सिलसिले चलने रहे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तुम सारे ने जी। लाइट की अफतारी उस बाद जनाब खाना उसी अपने उस बाद नमाज उसी अपने बरांडे च नमाज तो बाद मेहरबानी करी सारे तशरीफ फरमा सो, खाना खासो, चाय वगैरह पीसो, उस बाद बिल्कुल आजाद हो जाए। क्योंकि फिर पता था कि क्या खराबी पैदा होगी, जो मुल्क के हालात थे, जिस तरह सियासत जा रही थी। अगर आपने बायकॉट नहीं किया तो फिर आपने किसकी मदद की? नहीं, मैंने मदद भी नहीं की किसी की। जिन लोगों ने पूछा मुझे कि आप किसको वोट देना चाहिए, मैंने उनको सारे हालात बताए। मैंने कहा ये हालात है, मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ पिछले 35 साल के बाद, तो मकसद ही होगा। कुछ लोग बात को समझे, कुछ को नहीं समझे। ये अच्छा सर, जो कुछ इलेक्शन में हुआ, जैसे ये भी एक मामला चल रहा है कि MPAs MNAs खुद एक दूसरे को कह रहे हैं कि आप 45 वाले हो या आप 47 वाले हो। ये मसला, ये यही खराबी थी जो मैंने पहले जिक्र किया था, ये खराबी पैदा होगी मुल्क में। आप खुद देख लेंगे, राजनीतिक साहब इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन लड़ना हर शख्स का हक है, कोई उसको से मना नहीं कर सकता। लेकिन जो उनके साथ हुआ है ये 5 हफ्ते, वो ये जानते हैं और हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं कि किस किस्म के दबाव थे, किस किस्म के इन पे हर किस्म का हथियार इस्तेमाल किए गए, जेलों में डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, छापे मारे गए। तो ये सियासत का मियार ये तो नहीं हो सकता ना। सियासत तो एक मकसद के लिए होती है। इन्होंने समझा मैं नुमाइंदगी कर चुका हूँ अवाम की, मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ सूबाई की सतह पर। इलेक्शन जीते हारे ये अवाम के पास होना चाहिए, किसी और को इसका इख्तियार हासिल नहीं होता। सुना है शायद खान बासी साहब, मुतफा नवाज खोखर साहब और ये जो एक दो रबाब है, वो मिलकर कोई नई पार्टी बना रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, ये मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आज मुल्क में ऐसे हालात हैं कि एक नई सियासी सोच की जरूरत है, एक नई जमात है, दो जमात है, जो भी जमातें बने, तो उसमें मुशावरत कर रहे हैं भाई दोस्तों से। तो इंशाल्लाह ये कुछ अफराद का बहुत अरसे से ख्याल था कि नई जमात होनी चाहिए, लेकिन इस इलेक्शन ने साबित कर दिया है कि जो तीनों बड़ी जमातें हैं इनके अंदर अब ना वो सोच रही है ना वो फिक्र रही है।
ना उनके पास वो सलाहियत रही है कि मुल्क के मसाइल को हल कर। ऐसे वो दो नहीं थे, वाकई बनी थी, वो प्रोफेसर खट्टर साहब थी, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी भी थी, वो अपना मकसद पूरा करके फोत हो गई। वो एक मकसद के लिए बनाई गई थी कि वोट इधर उधर तोड़ा जाए और जो लोग छोड़कर आए थे पीटीआई को उनको कोई जगह दी जाए। वो ऐसी जमात कभी हमेशा मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ऐसे पहले भी बनी है। अब सामने पेट्रियाट बनी थी, काफ लीग भी इसी मकसद से बनी थी, लेकिन हमारी ये सोच है कि एक क्रेडिबल लोग हों जो एक बेहतर सोच रखते हों, तो बारे बारे अच्छी नहीं, एक मुल्क के मसाइल के बारे में बात की जाए, मुल्क के मसाइल का हल दिया जाए, ऐसे लोग लाए जाए जो सलाहियत रखते हैं, जो काबिलियत रखते हैं, जो तजर्बा रखते हैं, तो इंशाल्लाह एक कोशिश होगी। और हर चीज आपस में जुड़ी होती है, एक मसला नहीं होता, मसला क्या है, मसला आपकी मईशत है। आज हम नौजवान के मसले मसाइल की बात करते हैं, नौजवान का क्या मसला है, रोजगार का मसला है, रोजगार नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, कारोबार के मौके नहीं है, तो ये मईशत मजबूत होगी, ये सब मामले नौजवान के मसाइल भी मईशत से मुंसलिक है, मईशत जो है वो सियासी इस्तेकाम से मुंसलिक है, सियासी इस्तेकाम के बगैर मईशत नहीं होगी। इसलिए ये जो इलेक्शन है, क्या उन्होंने मुल्क को सियासी इस्तेकाम दिया है, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, नहीं दिया, बल्कि मजीद इंतशार बढ़ गया है, नफरत बढ़ गई है, ये खलीज बड़ी वसी हो गई है, आज लोगों के दरमियान माशरे के अंदर आज एक तनाव है, ये चीजें जो है ये हमेशा मुल्क के लिए मुदर साबित होती है, तो आज हमें इन मामला को दुरुस्त करने की जरूरत है। आपके ख्याल में ये मौजूदा जो हुकूमत है कब तक चलेगी, कितना टाइम होगा इसका? देखिए चलने की बात नहीं होती, क्या मुल्क चलेगा, मेरा सवाल ये है, मुल्क नहीं चलेगा, बड़ी वाजे बात है कि जो अगर आपका मैंडेट ही मशकूक हो, अगर आप अपना सलाहियत ना रखते हो, 16 साल यही हुकूमत रही है, बल्कि इससे ये हुकूमत उससे भी कम है, क्या वो क्या कर सके थे और ये आज क्या करेंगे? आज जरूरत ये कि आप मुल्क में इत्तेफाक, आपके मसाइल इत्तेफाक से हल होंगे, कोई रास्ता नहीं। मेरा एक छोटा सा आखिरी क्वेश्चन है कि कैदी नंबर 804 का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? कैदी नंबर 804 का वही मुस्तकबिल है जो हर सियासी लीडर का मुस्तकबिल होता है। इससे पहले कैदी नंबर 1 भी था, 2 भी थे, 3 भी थे, ये हम 804 पे आके पहुंचे हैं, तो मियां साहब भी रह चुके हैं, उससे पहले सुभाष चंद्र बोस भी रहा है, ये हर सियासतदान का पाकिस्तान में बदकिस्मती से मुस्तकबिल होता है कि वो जेल जाएगा, उसे मुकदमे बनेंगे, उसको हम सजाएं देंगे, और फिर 3-4-5 साल बाद हम कहेंगे अपीलों में जब सजाएं खत्म हो जाएंगी तो जी अब जो है उसको इंसाफ मिल गया है, तो वो जो नाइंसाफी हमने की थी उसके बारे में क्या ख्याल है? वैसे पंजाब ये काम खत्म करनी पड़ेगी, पंजाब हुकूमत के वाले से बात करते हैं।